सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। सो आज की एक नई वीडियो होगी हमारी बीपीसीएस 184 यूनिट पे। लास्ट यूनिट हमारी बाल अधिकार और सुरक्षा। तो बाल अधिकार को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, चलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। बाल अधिकार एक विहंगा अवलोकन अधिकार क्या है। मनुष्य के अनेक आवश्यकताएं होती है जिसमें मौलिक आवश्यकताएं मुख्य स्थान पर रहती है। मूलभूत आवश्यकताएं वैधिक रूप से पाकर अधिकार बन जाती है। अधिकार हमारे हक होते हैं, वे हमें यह बताता है कि दूसरे हमारे लिए क्या आवश्यक करे और क्या ना करे। ठीक है, उधर अधिकार हमें जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, जिसमें हम कुछ मुख्य अधिकार है जो हम से कोई नहीं छीन सकता। उन लोगों का सांस लेना, चलना, फिरना, घूमना, इधर जाना, उधर जाना, घर बसाना, खाना खाना, बिजनेस करना, और समझ लो यार, जीने के लिए जो जो चीज़ जरूरी होती है वो सब लोग मौलिक अधिकार में है। कपड़े पहनना, नहाना धोना, सब कुछ हम लोग का मौलिक अधिकार है, इससे हम लोग को कोई नहीं छीन सकता। बाल अधिकार क्या है। बच्चे अबोध होते हैं और बचपन में वे अपने विकास के लिए पूरी तरह माता पिता तथा उन सब पर निर्भर करते हैं जो उनकी देखभाल का दायित्व निभाते हैं। दुनिया में कुछ बच्चे इतने भाग्यशाली होते हैं जिनका भरपूर सुरक्षा प्राप्त होती है तथा उसका बचपन स्वस्थ और खुशियों से भरा होता है। लेकिन अधिकतर बच्चे असुरक्षित तथा अस्वच्छ एवं भेदभावपूर्ण वातावरण में शोषण के बीच अपना बचपन बिताते हैं बिताने पर विवश होते हैं। ऐसे बच्चों को उनकी जीवन रक्षा के लिए बाल अधिकार अवश्य प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे बाल अधिकार होते हैं। दुनिया में कोई भी बच्चा भूख व कठिनाइयों का सामना करने पर विवश ना हो, ये UNCRC ने कहा था। किसी भी बच्चों को राष्ट्रीयता, धर्म स्तर, धर्म, आर्थिक स्थिति, रंग, मूल, दिव्यांगता, उन किसी भी भेद करने वाले आधार पर से ऊपर उठकर न्यूनतम अधिकार व स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भारत में बाल अधिकार कहता है UNCRC 1989 में स्पष्ट रूप से 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि भारत में बच्चों की ऊपरी आयु सीमा संबंध में कुछ भिन्नता है। कुछ कानून 0 से 14 वर्ष की अवधि के लिए बच्चों के लिए और कुछ 0 से 18 वर्ष की अवधि के बच्चों के लिए लागू होता है। उदाहरण के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा 0 से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होती है, जबकि किशोर न्याय बच्चों की देखरेख में संरक्षण अधिनियम 2000 द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लागू होता है जो किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। भारत में होने वाली जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। 14 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति की परिभाषा बच्चे के रूप में करता है। बाल अधिकार और सतत विकास के लक्ष्य। ठीक है, सब बच्चे को खाना मिले, सब बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले, सब बच्चे हो तो योजनाएं होती है आंगनबाड़ी, पोषण अभियान, किशोर लड़कियों के लिए उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल संरक्षण सेवा अधिनियम का सारे अधिनियम है जो बच्चों के लिए किया गया। कला सात्यार्थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, एनजीओ के लिए समाज सुधारक है वो, कला सात्यार्थी 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने एक अच्छा समाज सुधारक की भूमिका चुनी और बहुत सारे बच्चों और बहुत सारे लोगों का भला किया देश में। जीवन अधिकार एवं विकास। तो जीवन अधिकार, उनका जीवन हमेशा, विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात पर जोर देता है कि स्वास्थ्य में की परिभाषा इस प्रकार है कि स्वास्थ्य मात्र रोग की अनुपस्थिति ही नहीं वरन पूरे शारीरिक एवं मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती की अवस्था है। ठीक है, अफ्रीका में कहावत है, एक बच्चे को बड़ा करना पूरे गांव की जिम्मेदारी होती है। इस संदर्भ में यह कहावत उपयुक्त है कि हमेशा पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एक बच्चा बिना किसी भूख प्यास और अच्छी शिक्षा, ये सब उसे हमेशा से मिले, भूख प्यास मतलब भूख प्यास ना रहे, भूखा ना रहे, उसको किसी समाज वाज की कमी ना हो, हमेशा से सब चीज़ों का उसे चीज़ें प्राप्त हो। एक अच्छा परिवार, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा पर्यावरण ये प्राप्त हो, तो इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मध्यान्ह मतलब इंटरवल में भोजन भी शामिल है। बच्चों को अच्छा खाना मिले जिसलिए उन्हें शिक्षा का अधिकार हो। क्लास 14 तक, मतलब 14 साल के बच्चे लोग को क्लास 8 तक की कक्षा में फ्री एजुकेशन है और 10 में भी ज़्यादा पैसा नहीं लगता आज के समय में। सुरक्षा एवं भागीदारी का अधिकार, सबको सुरक्षित रखा जाए, ऐसा ना हो कि बच्चे हैं तो कुछ भी कहीं पे भी काम पे लगा दिया जाए, बिना बाल श्रमिक ना हो वो, हमेशा सही तरीके से रखा जाए। 14 साल तक के बच्चों को कहीं पे भी फैक्ट्री में या कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी काम वाम पे ना लगाया जाए, वही होता है बाल श्रमिक, बाल मजदूरी, केवल
वैक्स मजदूर के अवसरों को हनन मात्र नहीं है, बच्चों की उनको बचपन छीन लेती है, वो विद्यालय नहीं जा पाते, अपनी आयु के बच्चों के साथ खेलने से वंचित रह जाता है। गरीब माता पिता बच्चे के बच्चे लापरवाही से पाले जा रहे बच्चे पिछड़े, सामाजिक आर्थिक परिवेश के बच्चे सांस्कृतिक रूप से पिछड़े जाने तथा वे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं। अनेक कारकों से 18 वर्ष की कम आयु में मजदूरी में झोंक दिए जाते हैं, वो बाल श्रमिक कहलाते हैं, और इसलिए बहुत सारे नियम बने जो बाल श्रमिक नहीं है। यौन उत्पीड़न के लिए भी पॉक्सो एक्ट लागू किया गया, जिसे पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। दिव्यांग बच्चों पर इकाई 4 मेंबरों ने बहुत अच्छे से चर्चा की। उन्हें हम एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं, अपने समाज में आरक्षण भी देते हैं। ठीक है, बच्चों से जुड़ी कानूनी अड़चने, गरीबी, परिवार, शाला त्यागी और निकम्मापन, जो बच्चों की पढ़ाई के बीच ही छोड़कर विद्यालय से भाग खड़े होते हैं, उन्हें काम नहीं मिल पाता और वह विवश होकर अपराध के रास्ते चल जाता है। मीडिया का खुलापन, मीडिया के माध्यम से हिंसा घटनाएं देखते देखते हैं बच्चों में अपराध की भावना जागृत हो जाती है, जिससे वो अपराध के निकल जाते हैं। साथियों का प्रभाव, साथी अपराधी होंगे तो बच्चे भी अपराधी निकलेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPRC 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह एक ऐसा अधिकार है जो सुनिश्चित करता है कि कानूनी नीतियां, कार्यक्रम आदि बाल अधिकार के नजरिए से है, जैसे भारत में संविधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित है। तो एक नंबर होता है, वो नंबर क्या है हम याद नहीं आ रहा अभी, 10 9 8 8 9 10 है, मतलब 1098 एक नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में चलता है, भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098, जिसे उल्टा याद कराया जाता है 8 9 10। ठीक है, भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन, जैसे कि हम पहले बता दिए, नंबर होता है कि किसी भी जगह फ़ोन कर दी जाएंगे तो आपके पास लोग आ जाएंगे और आपको पीट देंगे, तो उनसे 10 नंबर का अंक का नंबर नहीं दिया जाता, वो एक टोल फ्री नंबर होता है जिसे इसे 1098 के रूप में है, 4 अंक का नंबर, और जिसे उल्टा याद कराया जाता है 8 9 10। नाइट एंड डे हमेशा ये चलता रहता है, और इसमें बच्चों से रिलेटेड हर तरीके की समस्या का निवारण किया जाता है। अगर कोई बच्चा कहीं काम कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके बता देना। तो टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर जेरा बिली मोरियन का रेलवे स्टेशन में मुंबई के रात्रि आश्रय में बच्चों को दिक्कत दशा देखने के बाद यह विचार आया कि जरूरतमंद बच्चों को उनसे दिन में किसी भी समय बात करने लगे, क्योंकि किसी भी मतलब दिन और रात किसी भी समय उनको हेल्पलाइन में कोई भी परेशानी ना हो और किसी भी तरीके का ऐसा नंबर भी ना हो कि बच्चे याद ना कर पाए 10 अंक का नंबर, तो इसे 4 अंक का नंबर बनाया गया और इसे याद कराया गया। तो गाइस, हमें लगता है आप लोग को ये बहुत अच्छी पसंद आई होगी, ये एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको बना दी गई है, आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हो और BAPCS रिलेटेड अन भी बुक्स को आप इजीली पढ़ सकते हो मेरी चैनल पे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और किसी भी तरह का कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी भी तरह कोई सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी पर्सनल डाउट और प्रॉब्लम के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए किसी भी एक लिंक को मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइएगा। टाटा, बाय 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 बाय।